डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर आमने सामने हैं और GIC पोर्टल सही से ना खुलने के संदर्भ में चर्चा करेंगे। एक्चुअल में इससे रिलेटेड जो है कई सारी क्वेरी कल से लेके आज तक मेरे पास आ चुकी हैं और मैंने बहुत सारे मैसेजेस आपको भेजे भी हैं। ट्विटर पे भी लगातार आप लोग बातचीत कर ही रहे हैं और ट्विटर में एक लिस्ट जो है वो भी आई है, लेकिन सारी बातें अभी हम करेंगे। देखिए, आपको पता चल ही गया होगा कि पोर्टल जो है वो सही से नहीं खुला है और इसका आपको पता भी है कि भाई इसका मतलब ये है कि पोर्टल जो है वो सही से अपडेट नहीं हो पाया है और उसमें अपडेशन की प्रोसेस लगातार चल रही है। निदेशालय जो है वो लगातार इस पे लगा हुआ है और काम कर रहा है और सारे सब्जेक्ट को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो सकता है ये कल कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर ये मंडे तक कंप्लीट होगी। तो देखिए, आप यहाँ पर एक बात देखेंगे तो नोटिस जो आया था उसमें लिखा हुआ है कि भाई 6 तारीख से पोर्टल ओपन हो जाएगा और 10 तारीख से आप फॉर्म को फिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो गैपिंग दिया हुआ है वो इसी वजह से दिया है कि शायद कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको विद इन अ टाइम पीरियड जो है वो सही कर लिया जाएगा। उसके बाद भी आप देखिए कि 10 से लेकर 20 तक आपको जो है वो फॉर्म फिल करना है, यानी 11 दिन ऑलरेडी आपके पास रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो होंगी वो टाइमली मैनेज होंगी। अगर वो मैनेज नहीं हो पाती हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो निदेशालय की ही हो जाएगी, उनसे की मानी जाएगी। आपकी देखिए, आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा मौका मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम दिया जाए और आप उसको, ऐसा नहीं हो कि भाई अब ठीक है इतने स्टूडेंट ने भर दिया तो अब भर दिया, अब इसको क्लोज़ किया जाए, इस तरह का कभी कोई प्रोसेस नहीं होगा। टाइम पीरियड जो इन्होंने 10 से 20 तारीख दिया हुआ है वो तो ये करेंगे ही करेंगे। अगर नहीं उसमें भी हो पाता है, इन ए केस, वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, ये पूरी तरह से टाइम पीरियड में ही सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे, और इन ए केस अगर ऐसा होता है तो ये टाइम पीरियड बढ़ाएंगे और जो भी छूटे स्टूडेंट हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनको जो है मौका दिया ही जाएगा जॉब के लिए। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, एक लिस्ट जो है वो मेरे ट्विटर अकाउंट पर आई थी तो वो मैंने देखी। तो देखिए, उस लिस्ट के बारे में, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि भाई ये जो है इसमें ये इनकम्प्लीट लिस्ट है। पहली बात तो ये कि ये इनकम्प्लीट लिस्ट है और दूसरी बात ये है कि ये लिस्ट जो है वो पुरानी है या अभी जो अपडेट की जा रही है उनमें से है, ये भी हम बात अभी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पोर्टल पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। पोर्टल की पूरी गाइडलाइन जो है वो निदेशालय ने दी है कि पहले आप यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर इसको फिल करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, यही प्रोसेस जो होगा वो निदेशालय फॉलो करेगा। तो थोड़ा सा आप वेट करिए और उसको थोड़ा सा टाइम इनको देना पड़ेगा जो है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे ये अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, ये तो इंटरनल मैटर है कि क्या है, लेकिन ये 100% है कि प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है और अपडेशन की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और टाइम विद इन अ टाइम पीरियड ही ये प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट होगा। आई होप कि ये प्रोसेस होगा और नहीं होता है तो ये टाइम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल आप ना होइए और बढ़िया रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ही जॉब जो है कि वो हाथ में आएगी। नवंबर में आप जो है आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी क्योंकि इन्होंने 30th जो है वो अक्टूबर दिया हुआ है कि भाई 30th अक्टूबर तक जो है ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो निर्गत करने शुरू कर देंगे और विद इन 15 डेज आपको ज्वाइन भी करना है तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 15 नवंबर तक जो होगी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है ना, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बस अभी इतना ही डिस्कस करना था। वो जो लिस्ट है उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, वो लिस्ट का वीडियो अब इसके बाद ही आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं मेरे ट्विटर अकाउंट पे वो लिस्ट है ऑलरेडी, आप उसको वहाँ से भी जाके
देख सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से ही है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।